नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख तटरेखा और समुद्री तट को। तो सबसे पहले गुजरात से ही प्रारंभ करते हैं। गुजरात में है हमारा काठियावाड़ा तट, और महाराष्ट्र में है कोंकण तट, कर्नाटक में है कन्नड़ तट, केरल में है मालाबार तट, और भारत श्रीलंका के बीच है कोरोमंडल तट, और तमिलनाडु के पास है ये। और नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश में है रॉयल सीमा, और उड़ीसा में है उत्तरी सरकार या कलिंग तट। तो ये हमारे प्रमुख समुद्री तट हैं। अब देखते हैं इनको। गुजरात भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है, और ये हो गया हमारा काठियावाड़ा तट। 1600 किलोमीटर लंबाई, भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। काठियावाड़ा तट भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में हमारा कोंकण तट, महाराष्ट्र में है कोंकण तट, इम्पोर्टेंट है ये। और नीचे आते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में हमारा कन्नड़ तट, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और नीचे आते हैं केरल, केरल में है मालाबार तट, इसकी लंबाई है 796 किलोमीटर, मालाबार तट की लंबाई। और नेक्स्ट हमारा है कोरोमंडल तट, ये भी इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा तट है कोरोमंडल तट, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। अब ऊपर आते हैं, ऊपर आंध्र प्रदेश में हमारा है रॉयल सीमा, ये भी लंबा तट है, काठियावाड़ा के बाद दूसरा नंबर पर है ये। और उड़ीसा में हमारा उत्तरी सरकार या कलिंग तट, उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है और कलिंग तट भी बोला जाता है। ये हो गया हमारा कलिंग तट, वहीं चिल्का झील भी है उड़ीसा में सटा हुआ, उत्तरी सरकार के पास कलिंग तट में। अब गुजरात में है काठियावाड़ा तट और कच्छ का रण, भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात, 1600 किलोमीटर लंबाई काठियावाड़ा तट का, इसको आप नोट कर लीजिए 1600 किलोमीटर काठियावाड़ा तट। अब आगे बढ़ते हैं, और भारत में ये हमारे पूर्व तरफ है बंगाल की खाड़ी, भारत को प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। प्रायद्वीपीय का अर्थ है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ या तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। और ये हमारा नीचे हो गया हिंद महासागर, और पश्चिमी क्षेत्र में है अरब सागर। तो भारत के पूर्व तरफ है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तरफ है हिंद महासागर, और पश्चिम तरफ है अरब सागर। और ये हमारे प्रायद्वीपीय का जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब स्थल सीमा, भारत का स्थली सीमा की जो लंबाई है, देखते हैं कितना है, भारत का स्थली सीमा की लंबाई 15106 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर इधर हमारे उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह मिला के सब मिजोरम तक 15106 किलोमीटर। और जली सीमा की लंबाई गुजरात से नीचे से समुद्री तट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, रॉयल सीमा, उत्तरी सरकार, सब मिलाकर लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो ये था भारत के प्रमुख तट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।